शिवपुरी के भावखेड़ी गांव में दो दलित बच्चों की हत्या का मामला गरमाया हुआ है। पिछले कई दिनों में जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं और आज क्षेत्रीय बीजेपी सांसद केपी यादव ने भावखेड़ी जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सरकारी मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने इस बारे में आला अधिकारियों से चर्चा करने की बात भी कही कि आखिर क्यों अब तक प्राथमिक सरकारी सहूलियत में पीड़ित परिवार को मुहैया नहीं कराई गई। इसके अलावा उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साधा। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। हाँ वो वहाँ नहीं, पर इसे क्यों नहीं मिला अभी तक? प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं मिला इसे? तुम्हारा नाम है बेटा उसमें? नाम है ये सर, क्या पहले दूसरे गांव देखे थे, पड़ोसी गांव? ये पिताजी। नहीं तो यहाँ कब से आ गए हो? 20-22 साल हो गए फिर तो। वहाँ तो भाई वोटर लिस्ट में नाम तो यही होगा ना। प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहे हैं, उनको पता लगा पीड़ित परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, तो इसके लिए क्या प्रयास होंगे सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के? देखिए, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए हर व्यक्ति को, इसलिए मैंने आके सबसे पहले यही पूछा, क्योंकि मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और जैसे ही मेरी नज़र गई इनके घर पर तो पहला दिमाग मेरे दिमाग में यही चीज़ आई कि इनको क्यों प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। मैंने जहाँ जहाँ मीटिंग ली है तीनों ज़िलों में, जैसे ही चुनाव जीतने के बाद तीनों जिलों में मेरी मीटिंग हुई है, हर कलेक्टर से मैंने यही बात की है कि मुझे वो लिस्ट चाहिए किस किस के नाम है प्रधानमंत्री आवास में और किन किन लोगों को नहीं मिली है। तो जल्दी से जल्दी मोदी जी का जो सपना है कि हर व्यक्ति को अपना पक्का मकान मिलना ही चाहिए, तो मैं आज ही कलेक्टर से बात करूँगा, जल्द से जल्द इनको जो भी योजनाएँ सरकार की चल रही हैं उनका लाभ बिल्कुल दिलवाऊँगा और जल्द से जल्द। पिछले दिन यहाँ पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है वो बेहद लचर हैं, तो क्या सहमत हैं आप उनकी बात से कि व्यवस्थाएं लचर हैं? व्यवस्थाएं लचर तो कानून व्यवस्था तो कुछ बची नहीं है। देखिए, प्रदेश में हम और आप डेली देख रहे हैं इस घटना की, तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उसके अलावा भी पूरे लोकसभा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, कानून व्यवस्था बची नहीं है, हर दिन जगन अपराध हो रहे हैं, कोई कानून व्यवस्था नहीं बची, कोई प्रशासन नहीं बचा है, पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है, शासन क्या कर रहा है। अभी इतनी जगह बाढ़ आ रही है, ना किसानों को कोई मुआवजा की कोई घोषणा हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर किस तरफ को जा रही है। जितनी भी जन कल्याणकारी जन हितकारी योजनाएँ चल रही थी उनको सबको बंद कर दिया गया है, ना कन्यादान का पैसा मिल रहा है, ना किसी की डेथ होती थी तो अंतिम संस्कार के लिए पैसा मिलता था वो मिल रहा है, कुटी जितनी बन रही थी उनकी राशि रोक दी गई है, नई कुटी आ नहीं रही है, मतलब हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि प्रदेश सरकार कर क्या रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।